Hi guys, welcome to my channel. If today is your first time joining my channel, then my name is Huma Sarwar, and on this platform we always discuss everything about study abroad, success trips for your application process, and different resources and the scholarship that you can leverage while you are doing your bachelor, master's and PhD program. So if you want to apply to the universities in Italy, the application process can seem pretty overwhelming in the beginning, especially if you are an international student and you don't know that how to fill your application file and how to fill your application. So I have been there. So in this video, I'm gonna lead you through each and every step of the application process from starting to the end, so that you cannot find any difficulty while you fill your application. So in this video, we're going to talk about Grants Science University Institute that is located in Italy. And this institute is an international school of advanced studies and founded in 212. So it's not an old university, it's a new institute. So acceptance rate for this university is 60%. ओके मैं वर्ड रैंकिंग के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी सो न्यू यूनिवर्सिटी में वर्ड रैंकिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है लेकिन इनकी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है डेट इज़ ऑन द टॉप सो द रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रैंड सेसो साइंस इंस्टीट्यूट फोकस इज ऑन फोर मेन एरियाज वन इज एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स कंप्यूटर साइंसिस मैथमेटिक्स फॉर नेचुरल लाइफ and social sciences, regional sciences, and economic geography. So these institutes, they offer just four departments. They are working in four departments, but they are offering 40 different scholarships, 10 for each department. So if you want to apply any of these departments, then you should apply because you have a lot of opportunity to avail this scholarship. Let's jump into the application process. So guys, our first step is to paste the link of this call in the search bar. ये जितने भी links हैं ये मैं आपको description box में भी दे दूँगी. So PhD call academic year 2023-2024. So ये इस साल की जो है वो call open है. इसके अंदर जो जो department है that is ये मेंशन है इनकी डेडलाइन क्या है इनकी 30th of May डेडलाइन है और ये जो डिपार्टमेंट है इनकी इन दो डिपार्टमेंट्स की 2nd of May डिपार्टमेंट वो डेडलाइन है तो आपने उससे पहले पहले आपने ये एप्लीकेशन फिल कर देनी है ओके डाउनलोड हियर द कॉल फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे देखिएगा पीएचडी कॉल है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी आपने यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पहले रीड करनी है यू कैन सी देखें ये डिपार्टमेंट है एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स इसमें 10 स्कॉलरशिप हैं इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में 10 स्कॉलरशिप हैं हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपने रीड कर लेनी है और इसमें इन्होंने कॉल में ये भी बताया हुआ है कि कब इंटरव्यू होगा कब इंटरव्यू नहीं होगा यानी कि ये सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे अगर मैं ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी सो यहाँ पे देखिएगा ये एप्लीकेशन में एप्लीकेंट मस्ट फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैं इसको क्लिक करती हूँ अगर ये वही हमारे उस पेज पे लेके आ गया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी अच्छा फर्स्ट वी हैव टू रजिस्टर आवर सेल्फ मैं रजिस्टर कर रही हूँ खुद को मैं ये ईमेल एड्रेस सॉरी मैं सर्वर मैं ईमेल आईडी अपना दे देती हूँ आप देख लीजिएगा आप कौन सा ईमेल आईडी देना चाहेंगे जो आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं आई एक्सेप्ट दैट टर्म और फिर आपने क्लिक ऑन साइन अप क्योंकि अब आपने रजिस्टर करना है साइन अप करना है ओके आई गॉट इट हमारे पास एक ईमेल आई होगी मैं ईमेल चेक कर लेती हूँ ये देखिए गाइस मेरे पास ईमेल रिसीव हो गई है डियर हुमा सर्वर थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन योर पासवर्ड इज दिस वन मेरा पासवर्ड ये है आई कॉपी दिस पासवर्ड लेट मी कॉपी इट ओके कॉपी दिस पासवर्ड बैक पे जाएंगे
और जहाँ लॉगिन आएगा वहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी जो हमने दिया था वो लिख देना है एंड पासवर्ड, देन क्लिक ऑन साइन इन। यहाँ पे देखिएगा इन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग आप लोगों ने अप्लाई करना है। इफ़ आई वांट टू अप्लाई इन रीजनल साइंस एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी देन अप्लाई, क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इफ़ यू वांट ऑनलाइन इंटरव्यू और यू कैन वॉक इन, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंटरव्यू कंडक्ट विया वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर आप इटली में हैं देन यू कैन वॉक इन, तो लेकिन अगर आप इटली में नहीं हैं तो आपका इंटरव्यू जो है वो स्काइप वगैरह पे हो सकता है। इन पे मैंने चेक कर दिया। ओके, ये आप रीड कर लें। आई हैव बाय डिक्लेयर अंडर माय ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव नेवर रिसीव्ड नेदर पार्शली एन इटालियन पीएचडी प्रोग्राम। तो ये आपने रीड करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप पे आके यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल कंट्री। Let me select पाकिस्तान। ओके, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपने यहाँ पे दे देनी है। ओके, सिटी ऑफ बर्थ। ओके, प्रोविंस एंड स्टेट, यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। अच्छा, यहाँ पे है टैक्स कोड। अगर आप इटली में रहते हैं और आपके पास इटालियन टैक्स कोड है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो लीव इट लाइक दिस। मेलिंग एड्रेस, योर मेलिंग एड्रेस, कंट्री। ओके, योर स्ट्रीट एड्रेस। ओके, लेट मी राइट डाउन स्ट्रीट नंबर वन। ओके, सिटी आपका कौन सा है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी का नेम होगा, जिप कोड हो जाएगा। मुझे नहीं पता लाहौर का क्या जिप कोड है, ये मैंने वैसे आइडिया लगा के ही लिख दिया कोई भी। ओके, प्राइमरी सिटीजनशिप। अगर आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते। अच्छा, एक और चीज़, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सिलेक्ट योर डिग्री टाइप। आपकी मास्टर डिग्री है। ओके, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, सो यू हैव मास्टर डिग्री। कोर्स टाइटल हो जाएगा आपका। आपका कोर्स टाइटल क्या है? सपोज मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन ये जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए आपका। ये तो मैं वैसे अंदाजे, ठीक है। ऑफिशियल लीगल ड्यूरेशन कितना था? इट वाज फॉर 3 ईयर्स। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, आपको किस डेट को जो है वो डिग्री मिली है आपने वो यहाँ मेंशन कर देना है। योर स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, आपका कितना CGPA था वो आपने यहाँ कर देना है। आपने जो उसमें MS में आपने अपना थीसिस किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, उसका नेम यहाँ आपने लिख देना है। आपके एडवाइज़र वहाँ पे कौन से थे और यहाँ पे वहाँ पे एफिलिएशन किसकी थी, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है आपने। ऑल दो ये स्टैटिक नहीं है, लेकिन यू हैव टू फिल इट बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर PhD, सो ट्राई कीजिएगा कोई एक टैब भी एम्प्टी ना रहे। Then click on next step. अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है the field country education is not valid. Let me try. पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब।
अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री आपने मेंशन करनी है, यूनिवर्सिटी डिग्री एंड सर्टिफिकेशन और ऑब्टेनिंग इट विद इन अक्टूबर 31st। अगर आपको डिग्री मिल गई है देन आप यहाँ पे अटैच करें, अगर नहीं मिली है तो आपको 31st ऑफ अक्टूबर से पहले पहले जो है अपनी डिग्री अपलोड करनी है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको ज़रूर अपलोड करनी है। ओपन मोटिवेशनल लेटर आपका आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें भी डिग्री नहीं मिली है तो वो कहते हैं हम अप्लाई करें ना करें, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी कॉल में बता देती हैं कि किस डेट तक मैक्सिमम जो है वो आपकी डिग्री मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अपलोड करना है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मास्टर्स डिग्री थीसिस एक्सटेंडेड आपने करना है, ठीक है। आपकी CV हो जाएगी, यहाँ पे CV आपने अपलोड कर दी। ओके, अ वैलिड ID, आपका जो वैलिड ID पासपोर्ट की कॉपी आपने वो अपलोड कर देनी है। सारी चीज़ें अपलोड, ग्री स्कोर दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, आपने ये भी चेक कर लेना है कि अगर आपका कोई टेस्ट आइल्स ग्री कोई भी टेस्ट जो है वो रिक्वायर है। सम फाइल्स आर मिसिंग, प्लीज़ अपलोड आर रिक्वायर्ड। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक डिग्री नहीं मिली है वो यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उनके जो प्रोफेसर हैं वो ये मेंशन कर देंगे कि अभी डिग्री नहीं मिली लेकिन इस डेट तक इन्हें डिग्री मिल जाएगी। वो आपने या तो अपनी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसमें मेंशन होगा कि इस डेट तक डिग्री मिल जाएगी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे आपने रेफरेंस नेम लिखने हैं कि जिनका रेफरेंस आप देना चाह रही हैं। रेफरीज मस्ट प्रोवाइड अ रेफरेंस लेटर बिफोर 6/6/23। तो जिसका भी आप नेम देंगे, जिन प्रोफेसर्स का भी आप नेम देंगे, आपने याद रखना है, आप उन्हें बता देना कि इस डेट से पहले पहले उन्हें रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट करवाना है। उनके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी और उस पर वो अपना रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। हाउ डिड यू हर अबाउट इट, ओके आप यहाँ पर लिखते हैं अलमलोरा। ओके, आपने कहाँ से सुना है आप वो लिख दीजिएगा। बाकी रेफरी नेम जो है जो भी आप लिखना चाहते हैं, सपोज हुमा हो गया, रेफरी वन फर्स्ट नेम हो गया, आपने जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आप ये लिख दीजिएगा। ओके, एफिलिएशन रेफरी कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वो लिख देने, ठीक है। यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी और यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख दें और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। ओके, प्लीज़ कंप्लीट फर्स्ट रेफरेंस। अच्छा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईमेल आईडी कोई भी, सो राइटिंग डाउन माय ईमेल आईडी। आई थॉट ये वैसे ही हो जाएगा लेकिन ये वैसे नहीं हो रहा। होमवर्क सर्वर 77@gmail.com। मैं चाह रही थी वीडियो इतनी लेंथी ना हो लेकिन ये सारी चीज़ें फिल करवा रहा है जिसकी वजह से वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ओके, लेट मी ट्राई लाइक दिस। ओके, ये हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो एक दफ़ा हम लोगों ने इसे गो थ्रू कर लेना है। इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग और नॉट, इफ़ समथिंग इज़ करेक्ट अनकरेक्ट, तो आपने सारी चीज़ें ये चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद क्लिक ऑन सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अप्लाई हो चुका है इस यूनिवर्सिटी में और आपको एक ईमेल भी रिसीव हो गई है। सो आपको जो है इस तरीके से आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई है देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहेगा वो अप्लाई करता रहे इस तरह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।